सुप्रभातम, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे, संस्कृत टीचर, संत माइकल अकादमी बेतिया शाम। आज वर्ग दशम में विषय संस्कृत प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम पढ़ाएंगे। आपको ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। यहां दिया है कि पहला तो पाठ है सूची पर्यावरण। सूची मतलब स्वच्छ, पर्यावरण, पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परी जो आवरण। परी का आप लोग पहले जान चुके हैं कि परी का अर्थ होता है चारों तरफ से आवरण ढका हुआ पर्यावरण कहलाता है। तो स्वच्छ पर्यावरण कैसे बनाएंगे? स्वच्छ पर्यावरण नहीं रहने का क्या कारण है, उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एवं सूची पर्यावरणम महानगर मध्य चलत अनिशम कलाय स्वच्छता मन स्वच्छता तनु पेश्यता ब्रह्मदि सदा वक्त्रम दशनै अमुना अस्था नैव जल ग्रसनम। कहने का तात्पर्य है दुर्वहम अत्र का अर्थ होता है यहां, दुर्वहम दुष्कर कठिनाई दुष्कर जीवितम जातम प्रकृति एवं, इस प्रकृति में हम लोग का जीना दुर्लभ हो दुष्कर हो गया है, क्योंकि सूची पर्यावरण प्रकृति एवं सूची पर्यावरण अत्र मैंने यहां हम लोग का जीना दुर्भर हो गया है, दुष्कर हो गया है। अब प्रकृति एवं प्रकृति के ही सहारे सूची पर्यावरण और स्वच्छ पर्यावरण के ही हम लोग आश्रित हो गए हैं। अब हम लोग का आश्रय वही है कि प्रकृति और स्वच्छ पर्यावरण में हम लोग जी सके, उसी के आश्रित हो गए हैं। महानगरों के बीच में चलत अनिशम, अनिशम का अर्थ होता है अहर निशम, दिन और रात। अनिशम का पर्याय है अहर निशम, दिन और रात। तो महानगर के बीच में चलत अहर निशम कलाय 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 का अर्थ होता है लोह, चक्रम का अर्थ होता है पहिया चक्र। तो कलाय सचक्रम लोहे के चक्र के चलता हुआ या लोहा का चक्र जो है दिन रात महानगर के बीच में चलता हुआ या लोहा का चक्र लोहा का पहिया सदा प्रवती सदा लोहा का चक्र मन स्वच्छता हमारे मन को सुखाता है, तनु पेश्यता हमारे शरीर को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम और सदा या कुटी टेढ़ा वक्र से घूमता रहता है। दुदान्त भयंकर अपने दशनई दांतों से अमुना इस समय अस्थातमेव जन या शायद जन समूह को लोगों को विनाश न कर दे। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि यहां जीना कठिन हो गया है। अब हम लोग प्रकृति और स्वच्छ पर्यावरण के ही आश्रित हो गए हैं। महानगर के बीच में यह लोहे का चक्र चलता हुआ रातों दिन चलता हुआ मेरे हम लोग के मन को सोखता है।
शरीर को पीसता है और सदा कृतात्मक किरणा बद घूमता रहता है। इसका भयंकर इसके भयंकर दांत से इस समय स्थान नहीं हो सके कि जन ग्रसन या जन समूह को लोगों को या ग्रसित नहीं कर ले, विनाश न कर ले। पहला श्लोक का यह हुआ। यहाँ अब दूसरा श्लोक का देखिए, कदम मलिनम धूमम मुंचति सत सपटी यानम वास्क यान माला संतावती वितरंती धवानम यान नाम पक्तयो ही अनंता कठिनम संस्मरणम। यहाँ एक कह रहा है कि कदम मलिनम धूमम मुंचति सत सपटी यानम, सत मने सौ होता है, शक्ति यानम तो मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां गजब मलिनम गाजर के समान गंदा धूमम धुआं को मुंचती मतलब छोड़ता है। सैकड़ों मोटर गाड़ियां कहां पर, नगर में सैकड़ों मोटर गाड़ियां गाजर के समान गंदा धुआं को सुनता है। वास्तव संधावती विक्रंती धमान, वास्तव रेलगाड़ी, वास्तव मानव रेलगाड़ियों का समूह, संधावती विक्रंती धमान धमान धुएं को विक्रंती छोड़ती हुई संधावती संधावती हमेशा दौड़ती रहती है। यानाम पत्यों ही अनंत संस्मरण, यानाम पत्यों सवारियों के यानों के सवारियों के पत्ति समूहों के कारण अनंत कठिनम संस्मरण। आप ही अनंत अनंत जिसका अंत नहीं है ऐसे अनंत कठिन जीना कठिन हो गया है। इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां कागज के समान गंदे धुआं को छोड़ती है, रेलगाड़ियां भूमि को छोड़ती हुई दौड़ती है और यान सवारियों के प्रक्रिया कठिन सर्पण जीने चलने में कठिनाई महसूस हो रहा है। बच्चों अब हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम मलंकलम उचित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंत जगदी बहु शुद्धिकरणम। यहाँ इस श्लोक में कह रहा कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल समय बहुत अधिक वायुमंडल जो है बहुत दूषित हो गया है, अधिक दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम और जल भी स्वच्छ नहीं रह गया है, जल भी गंदा हो चुका है, स्वच्छ नहीं है। कुछ सत वस्तु भक्षम और खाने योग्य जो भक्षु है खाद्य पदार्थ है वो भी मिश्रित हो गया है, मिलावट आ गई है उसमें। समलम धरातलम या धरातल पृथ्वी जो है वह गंदी हो चुकी है कड़े कचरे से प्लास्टिक से, लोगों को पहले भी बताया गया है प्लास्टिक अभियान भी चला था उसमें साफ सफाई, तो एक कचरे और कूड़े से ये धरातल धरती जो है गंदी हो गई है। करणियम बहिरंतर जगती तू बहु शुद्धिकरण, करणियम बही बाहर अंदर अंदर हम लोग को जगत को संसार को तो अधिकता से शुद्धिकरण शुद्धि करना चाहिए, बाहर या अंदर इस बाहर और अंदर इसको शुद्धि करना जरूरी है, शुद्धि करना चाहिए। आप लोग को यहां वही जो आप
जो आवरण बराबर होता है पर्यावरण पर्यावरण या आपको यण संधि है, यण संधि में मी के बाद अगर मी पर आता है तो मी का यो हो जाता है, और ऊपर चला जाता है यहाँ पर तो परित्रावरण प्रजावरण। यहाँ आपको हो गया कि प्रकृति प्रकृति जोड़ प्रकृति जोड़ ए विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तो विसर्ग का रो हो जाता है, तो प्रकृति जोड़िए बराबर प्रकृति रे। यहाँ दुपहम दुपहम छोड़ पद दुर्वहम दुर्वहम छोड़ पद संयोग है संदेश नहीं है, दुपहम छोड़ पद। यहाँ अनिशम अनिशम बराबर होता है अनिशम अनिशम बराबर होता है अहर्निशम अहर्निशम मतलब दिन और रात दिन और रात अहर्निशम बराबर दिन और रात होता है। या ही जोड़ अनंता ही जोड़ अनंता ही जोड़ अनंता अनंता बराबर अयनंता होता है अयनंता। फिर अगले वीडियो में आप लोग को हम आगे के श्लोक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।